प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिवसीय दौरा रद्द हो गया। कल मंगलवार को वे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के गृह जिले झालावाड़ में आम सभा को संबोधित करने के साथ ही महंगाई राहत शिविर व प्रशासन गांव के संग अभियान का अवलोकन करने वाले थे, जिसको लेकर प्रभारी मंत्री प्रमोद जैन भाई के नेतृत्व में जिले के समस्त अधिकारियों ने पूर्व तैयारियां भी कर ली थी। पर आगमन की एक संध्या पूर्व ही मुख्यमंत्री के दौरे के रद्द होने की सूचना मिली। दरअसल सीएम गहलोत बिपरजोय चक्रवात प्रभावित जिलों का दौरा करेंगे, जिसके कारण 21 जून को बूंदी कोटा झालावाड़ दौसा की जगह पाली जालौर सिरोही बाड़मेर व जोधपुर में रहेंगे। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। झालावाड़ जिले के उनेल थाने में 1.5 माह पूर्व राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा अंक तालिका लेने आई नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाने का मामला 17 मई को पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में दर्ज हुआ। घटना के बाद से ही बालिका डरी व सहमी हुई थी। परिजनों के पूछने पर शिक्षक की काली करतूत के बारे में बताया था, जिस पर पिता ने बालिका के साथ उपस्थित होकर थाने में शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिस पर अभी तक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने से परिजनों सहित क्षेत्र की जनता में आक्रोश व्याप्त थे। उसी को लेकर भाजपा विधानसभा डक के बैनर तले विधायक कालू राम मेघवाल के नेतृत्व में डक चौमेला उनेल के कार्यकर्ताओं व क्षेत्र की जनता ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी चौमेला को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंप कर धरना प्रदर्शन किया। सभी के हाथों में शिक्षक को गिरफ्तार करो स्लोगन लिखी तख्तियां दिखी मिली। वहीं आपको बता दें कि ज्ञापन में शिक्षक को निलंबित करने व तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की। वहीं कोई भी कर्मचारी अपने धर्म का लिबास पहनकर सरकारी कार्यालय नहीं आए। 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर घटना की जांच कराई जाए। वहीं सभी मांगों को पूरा कर उचित कार्रवाई करने की मांग की। चौमला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। कृषि उपज मंडी प्रांगण में अध्यात्म योगी जैन संत आदर्श रत्न सागर महाराज के मुखारविंद से महामांगलिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें चौमेला सहित कई शहरों कस्बों के जैन श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। स्वर्गीय आचार्य नवरत्न सागर सुरेश्वर महाराज की महान चमत्कारी आदि व्यापी उपाधि को नाश करने वाली महामांगलिक का वाचन अध्यात्म योगी गणिवार्य आदर्श रत्न सागर महाराज ने शुभ मुहूर्त 12:39 पर शुरू किया। करीब 1.5 घंटे तक चला। उपस्थित श्रद्धालुओं ने शांति के साथ श्रवण किया। इस अवसर पर कई साधु व साध्वी मंडल मौजूद रहा। मां मांगलिक से पूर्व महाराज को बैंडबाजों के साथ कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। कार्यक्रम में विधायक कालूराम मेघवाल, नागेश्वर तीर्थ पेड़ी के सचिव धर्मचंद जैन, खाद व्यापार संघ जिला अध्यक्ष राजेश नाहर, भाजपा मंडल अध्यक्ष गौतम जैन, व्यापार संघ अध्यक्ष मनोहर ओसवाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। चौमला से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। झालरापटन सदर थाना क्षेत्र के रलाइता गांव में सुबह 8 बजे सांप के डसने से एक विवाहिता की हालत बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में लाए। उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे अस्पताल में भर्ती किया। रलाइता गांव की रहने वाली लक्ष्मीबाई 36 वर्षीय चूल्हा जलाने के लिए घर के पास ही गली में कंडे लेने गई, तो लक्ष्मीबाई ढेर में कंडे निकाल रही थी कि उसी समय कंडों के ढेर में छुपे बैठे एक जहरीले सांप ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया, जिसके कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आना शुरू हो गई। घटना का पता लगते ही पति ताराचंद उसे तुरंत झालावाड़ अस्पताल लेकर आया। चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल आईसीयू में भर्ती कर लिया। आईसीयू में लक्ष्मीबाई की हालत गंभीर है, जिसका उपचार चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि पिछले करीब 1 माह में झालरापटन इलाके में 13 जने जहरीले जीव जंतुओं का शिकार होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं, जिसमें से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी। झालावाड़ से एसके मीडिया के लिए परोस पठान। अगर मालवा जिला चिकित्सालय की महिला डॉक्टर प्रसूति रोग विशेषज्ञ उर्मिला मीणा के खिलाफ प्रसूता सुनीता राठौर के प्रति जितेंद्र राठौर ने कलेक्टर को कार्रवाई की मांग कर शिकायत पत्र सौंपा। जितेंद्र राठौर ने शिकायत में बताया कि 7 और 8 मई की दरमियानी रात उसके द्वारा प्रसूता सुनीता राठौर को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सुबह प्रसूता को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जिसके बाद डॉक्टर उर्मिला मीणा ने प्रसूता के पति को बताया कि उसकी पत्नी का ऑपरेशन कर बच्चा निकालना पड़ेगा, जिसको लेकर 16,000 रुपये की मांग की। इतने पैसे देने के इनकार किया तो कहा कि रेफर कर दूंगी, फिर तुम जानो या जिए और मरे। इसके बाद 6,000 रुपये में बात तय हो गई। ऑपरेशन से प्रसूता ने लड़के को जन्म दिया। फरियादी ने 3,000 ऑपरेशन के पहले और 3,000 ऑपरेशन के बाद दिए। इसके बाद प्रसूता को करीब 10 दिन जिला अस्पताल में भर्ती रखा। फरियादी का कहना है कि उसके बाद उसकी माता जी का देहांत हो गया था और क्रियाक्रम के बाद वह शिकायत कर रहा है। अगर मालवा से इसके मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट गणेश सोनी। सिंह राठौड़ है, मेरी धर्म पत्नी सुनीता
राठौर को प्रसव हेतु 7-8 मई रात दरमियान में जिला अस्पताल आगरमालवा लेकर आया। रात में एडमिट किया। सुबह 11 बजे मुझे जानकारी दी गई कि आपकी घरवाली का बड़ा ऑपरेशन होगा। बड़े ऑपरेशन के लिए मैंने सहमति दी। ऑपरेशन थिएटर में मेरी श्रीमती सुनीता राठौर को ले जाने के बाद में डॉक्टर उर्मिला मीणा मैडम के द्वारा मुझसे 16,000 रुपये की मांग की गई। कहा कि तुम्हें तो शासन से योजना के अनुसार रुपए मिल जाएंगे, मुझे 16,000 रुपये दिए। मैंने जब कहा कि मेरे पास 16,000 रुपये नहीं है तो वह नाराज़ हुए और भावनात्मक रूप से मुझे ब्लैकमेल किया कि अभी मैं रेफ़र कर दूँगी, अगर आपका बच्चा या माता को कोई नुकसान पहुँचा तो उसकी जवाबदारी मेरी नहीं रहेगी। झालावाड़ जिले के खानपुर कस्बा निवासी एक फर्नीचर व्यापारी को मोबाइल पर बातों में फंसाकर भाटखेड़ी बुलाने और अगवा कर झूठे केस में फंसाकर 10 लाख रुपए मांगने के मामले में पुलिस ने 2 महिलाओं सहित कुल 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया था। उसी कड़ी में अनुसंधान करते हुए हनी ट्रैप गैंग के 5 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं पिछले रिमांड के बाद अनुसंधान जारी है। खानपुर से एसके मीडिया के लिए रणजीत मेघवाल। मोटरसाइकिल चोरी के प्रकरण का खुलासा करते हुए डग पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर 2 अभियुक्तों के कब्जे से 5 मोटर बाइक बरामद की है। आपको बता दें कि गंगधार में हो रही चोरियों की रोकथाम व चोरियों का खुलासा करने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक झालावाड़ चिरंजी लाल मीणा के निर्देशन में वृत्ताधिकारी ब्रजमोहन मीणा, पुलिस उपाधीक्षक के निकट सुपरविजन में थाना अधिकारी डग रघुवीर सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया। वहीं टीम के अथक प्रयासों के चलते 5 मोटरसाइकिलों सहित 2 मुलजिमों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मुलजिमों से पुलिस अभिरक्षक में गनता से अनुसंधान किया जा रहा है, जिसमें और चोरी की वारदातों का भी खुलासा होने की संभावना है। डग से एसके मीडिया के लिए रमेश मोदी। राह दुर्घटनाओं की वजह से कई तरह की चोटें लगती ही रहती है, कभी कभी हड्डियां टूट भी सकती है। अगर हड्डी टूटी हो तो इस तरह से शनाक्त कर सकते हैं। अगर चोट की वजह से दर्द बहुत ज्यादा हो रहा हो या उसे हिलाने से दर्द बढ़ती हो तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। अगर घाव के पास सूजन हो, चमड़ा लाल हो या शरीर के आकार में बदलाव स्पष्ट दिखे तो फ्रैक्चर निर्धारण किया जा सकता है। चोट आए अंग को हिलने से रोकने के लिए सीधी लकड़ी से बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाएं। एक सख्त लकड़ी को घाव के दोनों तरफ के जोड़ों से चिपकाए रखें। वो लकड़ी ना हिले उसे चोट के चारों ओर कपड़े से बांधिए। चोट आए अंग से लकड़ी अच्छी तरह से सटा रहे ऐसे बांधिए। राह दुर्घटनाग्रस्तों को सहायता करने से ना कतराएं। तहे दिल से सहायता करने वालों को कानूनी संरक्षण दिया जाता है। मानवीय सहायक कानून के तहत सहायकों को कोई भी जवाबदारी करने की जरूरत नहीं, वे तुरंत जा सकते हैं। सिविल या क्रिमिनल कानून के तहत कोई भी सहायक को दोषी नहीं माना जाता। सहायकों का नाम या अन्य विवरणों का खुलासा करने के लिए उनसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। मेडिकल लीगल केसेस में भी उनके विवरणों का खुलासा करने के लिए जबरदस्ती नहीं की जा सकती। हॉस्पिटल के कर्मचारी सहायकों को रुकने के लिए या पैसे भरने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते।